बीते दिनों ऐसी रिपोर्ट सामने आई थी कि फिल्म मंगल के एक्टर संजय दत्त ने इस फिल्म के लिए एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय के नाम को सजेस्ट किया है। कहा जा रहा था कि फिल्म शब्द के बाद दोनों की जोड़ी फिल्म में नजर आने वाली है, लेकिन अब आपको बता दें कि अब ऐसी खबर आ रही है कि संजय ने ऐश को अप्रोच नहीं किया है। खबरों की माने तो ऐश इस फिल्म का हिस्सा नहीं है। साथ ही सुनने में आया था कि फिल्म शब्द की तरह इस फिल्म में भी दोनों के बीच इंटीमेट सीन्स होने की बात फैलना गलत है। आपको बता दें कि फिल्म शब्द में दोनों के बीच काफी बोल्ड और इंटीमेट सीन्स थे, और आपको ये भी बता दें कि फिल्म को दर्शकों की तरफ से अच्छा रिस्पॉन्स मिला था। संजय और ऐश के रिश्ते बहुत अच्छे हैं। बीते साल दिवाली के समय पर संजय उनके घर सेलिब्रेशन और पार्टी करने पहुंचे थे, तो ऐसे में हो सकता है कि संजय ने इसी वजह से ऐश्वर्या का नाम सजेस्ट किया हो। जानकारी दे दें कि ऐश्वर्या अब फिल्म फन्नेखा में काम करने वाली है। इस फिल्म में पहली बार ऐश्वर्या एक्टर अनिल कपूर के साथ काम करेंगी। वेल, इस फिल्म से एक बार फिर से दर्शकों को ऐश की केमिस्ट्री किसी नए हीरो के साथ दिखने वाली है। तो वहीं मंगल को लेकर आ रही खबरें अब कहां तक सही हैं, ये तो आने वाले दिनों में ही पता चल पाएगा। खैर, अभी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अभी चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह की चटपटी न्यूज़ देखने के लिए। फिर मिलेंगे मसालेदार खबरों के साथ। बाय बाय।